सो गाइज, इफ आई टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी, ये इतनी ज्यादा सुंदर है, लाइक यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट्स डन. वाओ. पापड़ वाला पनीर, दही कबाब, चिकन टिक्का, सरसों माही टिक्का, फिश टिक्का. काफी ज्यादा सुंदर लग रही है. और ये व्यू देखो आप लोग, स्टेडियम का व्यू है यहाँ पे. और मैं हूँ यहाँ पर एक सुंदर सी कली बनके. हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल. एंड फर्स्टली सॉरी कि वीडियो बहुत लेट आया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी. और मेरी आवाज़ से देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि कितनी दारू मैंने पी हुई है. मैंने इन्जॉय किया इस महीने, तभी कंटेंट नहीं आ पाया. बट ऑन अ सीरियस नोट दैट वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. एंड दिस इज़ अ वीलॉग स्टाइल वीडियो. एंड मैं जा रही हूँ एक बहुत कूल लोकेशन पे शूट के लिए. वैसे तो आई थिंक थंबनेल में मैं डाल ही दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी, पता नहीं फिर मैं सस्पेंस क्यों बना रही हूँ. बट अब चलो बना दिया है तो फिर भी सस्पेंस तो बना रहना चाहिए ना वीडियो में, कि जा रहे हैं स्टेकेशन पे, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट होटल्स इन दिल्ली. एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज दे हैव वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी. तो चलो फिर चलते हैं फिर जल्दी से, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में. So guys, we have finally reached our location. So guys, if I talk about this property, ये इतनी ज़्यादा सुंदर है, like you can see how beautifully it's done. Each corner of the place is just beautiful. मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड. द फ्लोरिंग, द कॉर्नर्स आर एब्सोल्युटली स्टनिंग. एंड अब चलते हैं लंच के लिए, बिकॉज सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं लंच. सो लेट्स गो फॉर लंच. तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं माइक लाना भूल गई हूँ कैमरा का, तो मुझे ये सस्ता जुगाड़ से करना पड़ रहा है. ये सस्ता जुगाड़ नहीं है, काफ़ी महंगा जुगाड़ है, बट जो भी है, बट जुगाड़ जुगाड़ होता है. सो आप मेरे पीछे ये रेस्टोरेंट देख सकते हो. एंड मतलब मेरे फर्स्ट लुक में मुझे कहना चाह रही हूँ, यार दिस इज़ ब्यूटिफुल, लाइक ब्यूटिफुल इज़ द वर्ड. इतना सुंदर रेस्टोरेंट, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर है कि मज़ा आ गया. आई एम सो एक्साइटेड. पापड़ वाला पनीर, दही कबाब, चिकन टिक्का, सरसों माही टिक्का, फिश टिक्का. यार भूख बहुत तेज लग रही है, तो सबसे पहले मैंने ले लिया ये चिकन टिक्का. ये हो गया दही का कबाब, मटन बर्रा, लुक्स रियली गुड. और ये आ गई हमारी फिश. तो सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है ये इतना टेस्टी और यमी दही का कबाब. टेस्ट इज जस्ट फैंटास्टिक. इतनी अच्छी फीलिंग है और हल्की जो स्वीटनेस आ रही है ना, इतनी यम है. सर्दियों का सीजन है और फिश टिक्का कैसे ना खाएं, ऐसे पॉसिबल थोड़ी ना है. द फिश इज वेरी सॉफ्ट और जो मैरिनेशन है काफ़ी लाइट है, काफ़ी अच्छी है. एंड इट्स कुक्ड ऑल्सो परफेक्टली. आई जस्ट लव इट. नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ चिकन टिक्का, बट सिंस शेफ हैज सर्व्ड इट तो खाना पड़ेगा. इट्स रियली गुड. लाइक बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, जिस मैंने शेफ को बोला था कि प्लीज़ मेरे लिए स्पाइसी ना करें, एंड उन्होंने बिल्कुल मेक श्योर किया कि खाना स्पाइसी नहीं है. काफ़ी अच्छा है. पापड़ पनीर ऑलरेडी मैं खा चुकी हूँ. एंड जो आपने इसकी जो कोटिंग है ना, इसे पापड़ के ऊपर किया हुआ, इन बीच में इन्होंने टू टाइप्स ऑफ चटनी भी लगा रखी है. सो अब मैं ट्राई करने वाली हूँ ये है मटन बर्रा. Mm.
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और एक जो लेमन जेस्ट है ना इसके अंदर उससे जो फ्लेवर इन्हांस हुआ है ना मज़ा आ गया। इट्स सो गुड, इट्स सो गुड। सो गाइज मेरा मेन कोर्स आ चुका है, मैं बैठ के खाऊंगी आराम से मेन कोर्स और मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ नेक्स्ट। ये है छोले कुलचे और ये है स्प्रिंग चिकन, बिकॉज हेल्दी भी तो जरूरी है ना। A few moments later, गाइज मेरा डिजर्ट आ चुका है एंड मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर है ये डिजर्ट। खा के बताती हूँ कि कितना टेस्टी है ये, काफी अच्छा है। चलो अब जल्दी से चेंज करते हैं और चलेंगे, दिखाती हूँ कि नेक्स्ट में हाईची के लिए कहाँ जाने वाली हूँ। तो फिर क्योंकि मैं हूँ एक इन्फ्लुएंजा तो रूम टूर तो देना आप लोगों को बहुत जरूरी है, तो पहले तो यहाँ पर हमारा स्वागत हुआ है कुछ यमी गुडीज के साथ। फ्रूट्स हैं, यहाँ एक सुंदर सा मिरर है जिसमें मैं अपनी खूबसूरती देख सकती हूँ और ये है कुछ ऐसा रूम। एंड यू नो फर्स्ट थिंग आई वांट टू से अबाउट द रूम इज आई वांट टू से क्या रूम है बॉस। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ लॉबी का एरिया, आइए। काफी सुंदर लॉबी है यार, काफी ज्यादा सुंदर लग रही है और ये व्यू देखो आप लोग, स्टेडियम का व्यू है यहाँ पे। मैं हूँ यहाँ पर एक सुंदर सी कली बनके और ये है यहाँ पे वॉशरूम। A few moments later, so I am ready for the high tea जिसके लिए हम जा रहे हैं क्यूमिन, so come let's go to क्यूमिन। तो गाइज मैं आ गई हूँ क्यूमिन शॉप में, आपने देखा कितना सुंदर है ये एंड द बेस्ट पार्ट इज कि बिल्कुल एंट्रेंस के साथ है, सो यू डोंट नीड टू एंटर द होटल टू डाइन एट क्यूमिन विच इज द बेस्ट पार्ट एंड इट इज ब्यूटिफुली डन। दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ आलमंड क्रूजोस, दे हैव बिस्कॉटीज एंड सैंडविचेस, बर्गर, बहुत कुछ है, कॉफी है, सो मैंने सब चीज ऑर्डर किया है। बस लाइट जाने ही ऑलमोस्ट वाली है, आई रियली वांट की पिक्चर्स अच्छी सी आ जाए, सो जल्दी से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। ओके ये है हेज़लनट कैपुचिनो, ओके नाइस। सो ये है क्लासिक हॉट चॉकलेट एंड ये है हेज़लनट कैपुचिनो चॉकलेट, थैंक यू। ये क्या है, तिरामिसू, ओके दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंच डेजर्ट्स। सो गाइज इन क्यूमिन मैंने बेसिकली डिजर्ट एंड की फुकाशिया मंगवाया है विद हमस, तो सबसे पहले मैं फुकाशिया विद हमस ट्राई करने वाली हूँ। द फुकाशिया इज सो बटरी एंड सो गुड, अ चिली विंटर इवनिंग एंड सम हॉट चॉकलेट इज जस्ट परफेक्ट। वैसे फोटोज लेते हैं वीडियोज लेते हैं हॉट चॉकलेट का कोल्ड चॉकलेट बन गया है, बट फिर भी काफ़ी अच्छी है। जो बेस्ट बार मुझे क्या लगा कि बिल्कुल भी स्टार्ची नहीं है, इट्स 100% चॉकलेट विच आई टोटली लव। एक बाइट तिरामिसू की खा लेते हैं एंड फिर आराम से अपनी हाई टी इंजॉय करेंगे। द तिरामिसू इज सो गुड। So the macarons are priced at 60 AI, which I think is so so reasonable and pocket friendly because you know macarons is basically a French dessert or maybe a like snack you can say, not I can't call this a dessert but you know it's like a snack which is like you know you can just come in buy eat and usually बहुत expensive होते हैं but you know 60 rupees for one macaron is just like amazing and chocolate वाला तो बहुत ही tasty है genuinely। तो गाइज कुछ ऐसा हुआ कि क्यूमिन से आने के बाद ना हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और मैं तब वीडियो एंड करना भूल गई थी। कुछ अभी हो रहा है 9:21 PM और अभी नेक्स्ट 20-30 मिनट्स में हम लोग जाने वाले डिनर के लिए नीचे। सो वैसे तो बीच में हमने थोड़ा सा कुछ खाया था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी एंड अभी जाएंगे डिनर के लिए, दिखाएंगे फिर आपको कि डिनर में क्या है।
बने रहो फिर वीडियो में। तो गाइस कुछ ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं डिनर करने नीचे एंड मैं दिखाती हूँ कि मैं डिनर में क्या क्या खाने वाली हूँ। सो लेट्स गो। ये क्या है सर? पेपर चिकन। ओके तो गाइस डिनर में स्टार्टर्स में आ गया मेरे पास पीनट चिकन। सो मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ये है पीनट चिकन, इट्स लोडेड विद पीनट। सो बेसिकली ये ना स्टर फ्राइड चिकन है, इसको गार्लिक चिलीज स्प्रिंग अनियंस और पेपर में स्टर फ्राई किया है और ऊपर से इसके अंदर पीनट्स डाले हैं। मतलब मुझे तो बिल्कुल चिकन ऐसा पसंद है, बिल्कुल क्रिस्पी टेस्टी सा, हल्का सा सॉटे हुआ हुआ, मुझे तो खा के मज़ा आ जाता है। ये क्या है सर? एंचिलाडा। ओके ये रख दो यहाँ पे। वाओ एंजॉय। तो गाइस आप मेरी फेस पे ये स्माइल देख सकते हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ एंचिलाडास एंड एंचिलाडास आर बेसिकली अ मेक्सिकन डिश एंड बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। ये सो व्हाट इज दिस सर? दिस इज पैन फ्राइड नूडल्स। ओके एंड दिस इज कुंग पाओ चिकन। ओके ग्रेट, थैंक यू। सो फॉर डिनर आई हैव सम पैन फ्राइड नूडल्स विद लॉट्स ऑफ वेजीज एंड सम कुंग पाओ चिकन अगेन विद पीनट्स, बिकॉज मुझे लगता है कि चाइनीज खाने में ना पीनट्स। सो एकदम से बहुत ज़्यादा म्यूजिक लाउड हो गया था एंड कॉपीराइट इशू आ जाता है यूट्यूब पे, तो मैंने कहा स्टॉप ही कर देते हैं। सो या सो आई वाज सेइंग कि चाइनीज खाने में ना आई रियली लव द फ्लेवर ऑफ पीनट्स एंड रेड चिली देन पेपर, सो इट इज़ लाइक अ कम्प्लीट मील। So to be really honest, the noodles and the kung pao is going really well together. Noodles kafi subtle hai, like flavor wise, and kung pao has a really good flavor. It's tangy, it's delicious, and it's not like the regular kung pao because kafi jagah na kung pao bahut meetha bana dete hain, but this is really well balanced. Together it's match made in heaven. सो गाइस काफ़ी हैवी डिनर हो गया है एंड रेस्टोरेंट से रूम तक जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। सच्ची बता रही हूँ इतना अमेजिंग डिनर था। अमेजिंग डिनर के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना सुंदर ये होटल है। एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा बार का एरिया है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बेसिकली ये है बार का एरिया, इट इज़ डन सो ब्यूटिफुली यार, एंड द प्लेस इज सो वेल लिट। The best part is that. A few moments later. So guys, room में आके कर लिया है हमने relax and ये पहन लिया है cute सा night suit. मीठा मैंने नीचे नहीं खाया था तो मैं ऊपर ले आई हूँ and मैं आपको दिखाती हूँ कि मीठे में क्या है मेरे पास। तो हमारे पास मीठे में है गुलाब जामुन। किस किस को गुलाब जामुन पसंद है जल्दी से कमेंट्स में बता दो। मजा आ गया। सर्दियों के मौसम में गुलाब जामुन इज सोने पे सुहागा। मतलब इतना मजा आ जाता है ना गुलाब जामुन खा के कि मौज ही हो जाती है। और टाइम कुछ 12 बजने वाले हैं तो अभी सोते हैं, फिर सुबह आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट पे, दिखाऊंगी कि ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या खाने वाले हैं। मुझे तो अभी से सपने आने लग गए। द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और भी जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए बिकॉज ब्रेकफास्ट इज लाइफ। तो गाइज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कितना सुंदर ये व्यू है ना, कि मज़ा आ जाएगा। गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, तो दिखाने वाली कि ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या खाने वाले हैं।
दिस होटल लुक्स सो प्रिटी. सो गाइस, दिस इज द ब्रेड सेक्शन. सम फ्रेश क्रूसॉन्स, ब्रेड्स, बंस, दीज आर एगलेस. Nice. We have some cheese here, some idlis. Oh, kachori bhi hai. Nice. Some veggies. Time to dig in. So guys, breakfast spread is here. We have omelette, we have chai. Aur chai ke bina to yaar din ki shuruaat nahi hoti. To ek sip chai to banti hai. साथ में मैंने मसाला डोसा लिया है जो काफ़ी अच्छा है. सो गुड. पहले तो बेस्ट पार्ट क्या लगा कि मिनी साइज कचौड़ी है, काफ़ी अच्छी लगी है वो. उसके क्या लगा कि आप ज़्यादा ओवर ईट नहीं करते हो. वैसे बुफे में आके ओवर ईट तो होता ही है, बट फिर भी थोड़ा डाइट कॉन्शियस हो जाते हो. बुफे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सिलेक्शन है. लाइक जो बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा कि बहुत ज़्यादा भरा नहीं हुआ, जो भी है अच्छा है. लाइक वेजीज हैं, बंस हैं, ऑमलेट है, बहुत कुछ है. अब मुझे खाने दो यार आराम से जाके. गाइज, मैं ना वीलॉग एंड करना भूल गई थी, जल्दी जल्दी में निकल गई. एंड आज पूरे दिन दिल्ली में बारिश होती रही है. सो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सर्दियाँ ऑफिशियली आ चुकी हैं दिल्ली में. तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. टिल देन वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. लॉट्स ऑफ लव.